गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा, आई एम योर ईवीएस टीचर। स्टूडेंट्स, आज की लाइव क्लास में हमने चैप्टर 21 आवर सेंस ऑर्गन्स पढ़ा है। ओके, एक बार मैं आपको फिर से समझा रही हूँ। ओके, देखिए, वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास पांच सेंस ऑर्गन होते हैं। हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन हैं? पांच हैं, फाइव हैं। आवर सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू सी। हम अपने सेंस ऑर्गन की हेल्प से सी मतलब देख सकते हैं, हियर मतलब सुन सकते हैं, स्मेल सूंघ सकते हैं, टेस्ट टेस्ट कर सकते हैं, चख सकते हैं, एंड टच किसी भी चीज़ को टच कर सकते हैं। तो मतलब हमारे सेंस ऑर्गन कौन से हैं? सी मतलब देखना, तो देखते किससे हैं? आइज से। हियर सुनना, सुनते किससे हैं? ईयर से। स्मेल सूंघना, तो हम स्मेल किससे लेते हैं? नोज से। टेस्ट चखना, तो टेस्ट हम किससे चखते किससे हैं? टेस्ट किससे लेते हैं? टंग से। एंड टच छूना, तो हम छूते किससे हैं? स्किन से। ओके, हमें टच करके हमें पता कैसे कैसे चलता है हमारी स्किन को कि ठंडा है या गर्म, तो वो हमारी स्किन को पता चल रहा है। ओके, तो टच हम स्किन की हेल्प से होता है। फर्स्ट वी सी विद आवर आइज। आपको यहाँ आइज की पिक्चर दे रखी है। आपको बताया है कि हम आँखों की हेल्प से क्या करते हैं? देखते हैं। आँखों से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। वी हियर विद आवर ईयर। कानों से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। आपको कोई आवाज़ लगाता है तो आपको कानों से ही सुनोगे आप। ओके, तो कानों से क्या करते हैं? सुनते हैं। वी स्मेल विद आवर नोज। हम अपने नोज से क्या करते हैं? स्मेल लेते हैं। ये बच्चा अपने ये फ्लावर है, इसकी स्मेल किससे ले रहा है? नोज से ले रहा है। ओके, वी टेस्ट विद आवर टंग। हम अपनी टंग से कोई भी चीज़ अपने मुंह में डालते हैं, जब वो हमारी टंग पे आती है तब हमें पता चलता है कि मिर्च है, कड़वा है, खट्टा है, तो हम टेस्ट किससे लेते हैं? टंग से। ओके, एंड लास्ट वी टच विद आवर स्किन। हम अपनी स्किन से टच करते हैं। ओके, ये हमारे फाइव सेंस ऑर्गन हैं। आपको मैंने होमवर्क में कल फाइव सेंस ऑर्गन ड्रॉ करने के लिए दिए थे, उनके नाम लिखने के लिए दिए थे। देखिए आप कैसे बना सकते हैं, अगर नहीं बनाए तो बना लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट आप आइज की पिक्चर बनाइएगा, उसके बाद लिखिए आइज, नोज नोज, ईयर ईयर की पिक्चर बनाइए, फिर टंग की बनाइए, एंड लास्ट में आप ये हैंड वाली बना सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं स्किन। ये आपके फाइव सेंस ऑर्गन हैं, इनके नाम भी लिखिएगा, हेडिंग भी डालिएगा। चलिए आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज करते हैं। पेज नंबर 47 पे चैप्टर नंबर 21 की बुक एक्सरसाइज है आवर सेंस ऑर्गन। क्वेश्चन 1, ड्रॉ लाइन टू मैच करेक्टली। आपको लाइन ड्रॉ करके मैच सही ढंग से करना है। देखिए आइज की पिक्चर दे रखी है, आइज दे रखी है इधर, और यहाँ पर आपको कुछ आइटम्स दे रखे हैं, तो आपको मैच करना है कि आइज का सही मैच किससे हो सकता है। तो हम आइज से हम फूड को नहीं मैच करेंगे। ओके, अगर हम आइज से खाने को नहीं देख सकते बट खा तो सकते हैं मुँह से, है ना। आइज से हम टीवी को मैच करेंगे क्योंकि आँखों के बिना हम टीवी नहीं देख सकते। ओके, नेक्स्ट नोज। नोज में हम फ्लावर को मैच करेंगे, नोज के बिना हम स्मेल नहीं ले सकते। ईयर, कान में हम देखिए म्यूजिक करेंगे, बिना कान के हम म्यूजिक नहीं सुन सकते। एंड टंग में हम फूड को करेंगे। ओके, बिना टंग के हम टेस्ट नहीं ले सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर बी, टिक द करेक्ट ऑफ वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। आपको टिक करेक्ट वर्ड पे टिक का निशान लगाना है। ओके, वी हियर विद आवर ईयर या नोज। तो हम हियर मतलब सुनना, आपको मीनिंग पता होगा तो आंसर आप अपने आप बता दोगे। हियर का मीनिंग होता है सुनना, तो आप बिन सुन किससे सकते हो? ईयर से या नोज से? तो बेटा ईयर से सुनते हैं, नोज से सुनते नहीं हैं, है ना। तो करेक्ट ईयर है, ईयर पे टिक लगाएंगे। वी स्मेल विद आवर, स्मेल किससे करते हैं? नोज से। ओके, नोज और टंग ऑप्शन है तो नोज से सूंघते हैं, टंग से तो कोई नहीं सूंघता, है ना, तो आप नोज पे टिक लगाएंगे। वी टेस्ट विद आवर
टेस्ट किससे करते हैं? टेस्ट करते हैं अपनी टंग से कि आपको खट्टा मीठा पता चलता है, तो आप टंग पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, वी फील थिंग्स बाय टचिंग विद आवर, हम फील करते हैं किसी चीज़ को तो किससे करते हैं, स्किन से या ईयर से? तो हम स्किन से टच करते हैं, स्किन से हम किसी फीलिंग लेते हैं किसी चीज़ की। एंड लास्ट, वी सी विद आवर नोज या आइज, तो हम देखते किससे हैं, सी मतलब देखना, तो हम आइज की हेल्प से देखते हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक में ही इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कॉपी वर्क बताऊंगी, आपको कॉपी में क्या करना है। ओके, थैंक यू।